बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से और अपने घरों में खुश और आबाद हों। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए, हम सबको बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे। इसी दुआ के साथ हम आज की रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ईजीएस्ट किस्म की लज़ानिया रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हम लोग इसको शीट्स के साथ नहीं बनाएंगे, हम लोग इसको ब्रेड के साथ बनाएंगे। आप लोग को इंशाल्लाह बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी और ये इतना मज़े का बनेगा कि आप दूसरी लज़ानियों को भूल कर आप लोग दोबारा भी इंशाल्लाह इसी को ट्राई करेंगे। चलें अब हम सबसे पहले इसके इन्ग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं। इसमें हम देख लेते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें हमें 7 से 8 पीसीज ब्रेड के चाहिए, 1/2 kg हमें बोनलेस चिकन चाहिए। इसको ऐसे हम बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। 1 शिमला मिर्च लेकर उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। 1 टमाटर लेकर उसको हम छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर उसको हम बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून हमें पिज़्ज़ा सॉस के चाहिए। थोड़े से हमें एलिपिनो चाहिए, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह 3 टेबलस्पून हम इसमें स्वीट कॉर्न यूज़ करेंगे। थोड़े से हम इसमें ओरिगैनो यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। 1 पैकेट हम इसमें मोज़रेला चीज़ का यूज़ करेंगे। मैं मोस्टली ये वाली दोनों कंपनीज यूज़ करती हूँ। आप लोग जो भी अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी कंपनी की मोज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसमें लहसुन पाउडर का यूज़ करेंगे। चलिए आप अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसकी फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें हम ये चिकन ऐड करेंगे। चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसको कुक करेंगे। अब हम इसमें ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे, साथ ही वेजिटेबल्स भी, ताकि सारी चीज़ें एक साथ ही कुक हो जाएँ। अब हम मीडियम फ्लेम पर ही इन सारी चीज़ों को 5 से 7 मिनट कुक करते हैं। फिर सब चिकन को कुक होते 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस ऐड कर देंगे। अब हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम इसको कुक करेंगे। फिर देखें चिकन माशाल्लाह कुक हो चुका है अच्छे तरीके से, पानी भी ड्राई हो गया है और ये कुक भी अच्छे तरीके से हो गया है। अब हम इसमें 1 कॉर्न्स ऐड कर देंगे और मज़ीद इसको 30 सेकंड के लिए कुक कर लेंगे। उसके बाद हम इसको एक बॉल में या प्लेट में निकाल लेते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। व्यूअर्स अब हम अपनी वाइट सॉस रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम एक सॉस पैन या फ्राइंग पैन लेंगे, जो भी आप यूज़ करना चाहें। उसमें हम 3 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो हम 3 टेबलस्पून ही इसमें ये मैदा ऐड करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इनको लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से कुक करेंगे, जब तक इनमें से अच्छे से खुशबू नहीं आना स्टार्ट हो जाती। इस प्रोसेस को ऑलमोस्ट 1.5 से 2 मिनट लगेंगे और हम ये विस्कर कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। तकरीबन 1/2 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप दूध ऐड कर देंगे और इसको कंटिन्यूसली जल्दी से हम हिलाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। और इसको भी हम 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से कुक करेंगे, जब तक ये थिक ना हो जाए। फिर सॉस थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें ओरिगैनो ऐड कर देंगे और इनको भी अच्छे तरीके से मिक्स करके मज़ीद हम 30 सेकंड के लिए कुक कर लेंगे। व्यूअर्स हमारी वाइट सॉस भी रेडी हो चुकी है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स अब हम एक पतीला लेंगे जिसको हम बेकिंग के लिए यूज़ कर सकें और इसमें हमारा बेकिंग मोल्ड भी पूरा आ सके। उसमें हम नीचे नमक की लेयर लगा देंगे, उसके ऊपर स्टैंड रख देंगे जिसके ऊपर हम मोल्ड रखेंगे। इसको हम लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे, तब तक हम अपना बाकी प्रोसेस कम्प्लीट कर लेते हैं जब तक ये प्रीहीट होता है। उसके बाद हम बेकिंग की तरफ आएंगे। अब हम ब्रेड स्लाइसिस लेंगे और उनके ब्राउन कॉर्नर्स हम अलग करते जाएंगे। उसके बाद हम इसको रोलर से अच्छे तरीके से बेल लेंगे, इसको बिल्कुल हम थिन कर लेंगे और फिर हम इसके इस तरह 2-2 स्लाइसेस करते जाएंगे। इसी तरह हम अपनी सारी ब्रेड रेडी कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपके साथ मिलती हूँ। व्यूअर्स हमारी लज़ानिया की सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसके लास्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। उसमें सबसे पहले हम थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस लेकर वो यहाँ पर स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी वाइट सॉस स्प्रेड करेंगे, फिर हम इसमें ये वाली ब्रेड स्लाइसिस रखते जाएँगे, जितने भी ईजीली रखों। 1 लेयर हम इनकी लगा देंगे, उसके बाद हम फिर पिज़्ज़ा सॉस की लेयर लगाएंगे। हम बिल्कुल थिन सी लेयर ऐड करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम दोबारा वाइट सॉस ऐड करेंगे। उसके बाद ये जो हमने चिकन रेडी किया था उसकी 1 लेयर लगाएंगे।
उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़े से एलिपिनो ऐड करेंगे, फिर थोड़ी सी चीज़, आप चैडर या मुजेला दोनों मिक्स भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसके बाद हम इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे ब्रेड की, उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस की लेयर, उसके बाद फिर वाइट सॉस। अब हम इसके ऊपर चिकन की दोबारा लेयर ऐड करेंगे। अब ये हमारी लास्ट लेयर है, हमारे पास जितना भी चिकन बच गया है हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। अब हम चिकन को इसके ऊपर सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर एलोवेरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी वाइट सॉस, चीज़ ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रिंकल कर देंगे, ऑलिव्स रख देंगे। लास्ट में अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ओरिगैनो स्प्रिंकल कर देंगे। लज़ानिया बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी बेकिंग की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, हमने इस पतीले को 10 मिनट लो फ्लेम पर प्री हीट कर लिया था, अब हम इसमें बेकिंग मोल्ड रख देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 15 मिनट में लज़ानिया बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब मिलते हैं 15 मिनट के बाद। व्यूअर्स, पूरे 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम लीड उठाकर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा लज़ानिया बिल्कुल रेडी है। फिर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लज़ानिया बिल्कुल रेडी है। मैंने एक टिपिकल सी शीट रेसिपी से हटकर एक रेसिपी आप लोगों को सिखाने की ट्राई की है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरी ये रेसिपी ट्राई करें और अच्छी बने, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को अपनी फैमिली में शेयर ज़रूर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह फिर अमेजिंग सी रेसिपी के साथ, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।